दो महीने पहले सत्ता में बैठी पार्टी ये रियलाइज करे कि उनकी सरकार ने कोई काम नहीं किया और जनता केवल दुखी और दुखी है उनसे, और इसलिए वो अब मुख्यमंत्री बदले। बीजेपी मान रही है कि उनके सीएम ने, उनके सरकार ने कोई काम नहीं किया। 10 पॉइंट्स की लिस्ट बनी है भारतीय जनता पार्टी में, जो प्रमोद सावंत जी की फेलियर की लिस्ट है। 10 पॉइंट फेलियर लिस्ट है प्रमोद सावंत जी की। सबसे पहले तो बीजेपी खुद मान रही है कि प्रमोद सावंत जी और उनकी सरकार कोविड को हैंडल करने में बहुत बुरी तरह से फेल रहे हैं। हम सब ने देखा कि वहां किस तरह से अस्पतालों में बिस्तरों की कमी से लेके एम्बुलेंस की कमी तक रही, और इतना बुरी तरह से स्प्रेड हुआ, मिसमैनेजमेंट था कि वहां पॉजिटिविटी रेट 50% तक पहुंच गया था, जो कि देश में सबसे ज्यादा था। इतना ही नहीं, गोवा की पंचायतों को फैसला लेना पड़ा था बीच में कि प्रमोद सावंत सरकार कुछ नहीं कर रही है कोविड रोकने के लिए, कोई सख्ती नहीं कर रही है, तो गोवा की पंचायतों ने पंचायत लेवल पे लॉकडाउन लगाया था, क्योंकि प्रमोद सावंत की सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी थी, भारतीय जनता पार्टी की वहां की सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी थी। 50% जब केस बढ़ गए, आने लगे वहां पे, 50% पॉजिटिविटी रेट आने लगा, तो पंचायत लेवल पर पंचायतें एक्टिव हुई और उन्होंने कोविड को कंट्रोल करने के लिए भूमिका निभाई, जो कि राज्य सरकार को करना चाहिए थी। और वहां के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच तो इतना कॉन्फ्लिक्ट था, इतनी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी उसके बारे में, तो खुद अमित शाह जी को उसमें इंटरवीन करना पड़ा था। तो सबसे पहला फेलियर तो खुद भारतीय जनता पार्टी मानती है कि उनका कोविड मैनेजमेंट को लेकर सबसे बड़ा फेलियर भारतीय जनता पार्टी का रहा है। दूसरा, स्कैम हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड के पैसे से, जिससे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए स्कीम बनाई जाती है, उनको मदद दी जाती है, वहां के उसके पैसे को डाइवर्ट करके अपने कार्यकर्ताओं को बांटा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने। यह बड़ा लेबर गेट स्कैम के नाम से गोवा में खूब मशहूर है। तीसरा, रिलीफ के नाम पर फेक किया। प्रमोद सावंत जी ने कहा कि हम 5,000 रुपए देंगे जिन्होंने अपने परिवारों में कोविड के कारण ब्रेड अर्नर खोया है, जिनकी रोजी रोटी कमाने वाला परिवार की कोविड के कारण चला गया है, उनके परिवार को 5,000 रुपए देंगे रिलीफ में, लेकिन एक रुपया उन्होंने किसी को नहीं दिया, ये फेक निकला। उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि हम कोविड फ्रंटियर वॉरियर्स को, कोविड वॉरियर्स को जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको 20% पे हाइक करेंगे, वो भी फेक प्रॉमिस निकला, अब तक कुछ नहीं किया उस पर। डिजास्टर मैनेजमेंट, कोविड नहीं, साइक्लोन में भी डिजास्टर मैनेजमेंट उनसे नहीं संभला, पूरा डिजास्टर मिसमैनेजमेंट रहा। अभी थोड़े दिन पहले जब ताउते तूफान वहां पे आया था, तो उस वक्त प्रमोद सावंत जी की सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रही और 4 दिन तक बिजली गुल हो गई वहां पे, 4 दिन तक बिजली गुल रही, जबकि पता था कि यहां ताउते का अटैक होने वाला है। प्रमोद सावंत जी की सरकार उसको मैनेज नहीं कर पाई, डिजास्टर की कोई तैयारी नहीं कर पाई। जॉब्स के फेलियर पर प्रमोद सावंत जी की सरकार पूरी तरह से फेल है। 10,000 जॉब देने का प्रॉमिस किया था, उन्होंने एक जॉब नहीं दिया। जब आम आदमी पार्टी ने पूरा रोजगार कैंपेन वहां पे पूरे गोवा में चलाया, तो उसके दबाव में आके अब उन्होंने फर्जी विज्ञापन निकालने शुरू किए वैकेंसीज के, हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, वैकेंसी निकाल रहे हैं, एक आदमी को जॉब नहीं दिया अब तक, अब 2 महीने पहले विज्ञापन निकाले जा रहे हैं। माइनिंग माफिया के सामने नतमस्तक होके बैठी हुई है प्रमोद सावंत जी की सरकार वहां पर। वहां कोर्ट तक के आदेश हैं माइनिंग शुरू कराने के लिए, माइनिंग के संबंध में, लेकिन वहां की सरकार केवल माइनिंग लॉबी को खुश करने के लिए कोर्ट के आदेशों को भी किनारे कर रही है और माइनिंग लॉबी के सामने झुक के बैठी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे गोवा में इतनी खराब है कि आज डेली बेसिस पर रॉबरी के जितने केसेस, जितने मर्डर के केसेस गोवा में बढ़ रहे हैं, सबसे हाईएस्ट स्पीड से गोवा में मर्डर और रॉबरी के केसेस बढ़ रहे हैं, ये खुद रिपोर्ट्स बता रही है वहां पे। एजुकेशन बहुत बुरा हाल है पूरे गोवा में, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और जब कोविड के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई की बात हुई तो बच्चों की इतनी दिक्कत हुई कि बच्चे गोवा में ही, हमने न्यूज मीडिया में पढ़ा
कि पेड़ पर चढ़कर इधर उधर ढूंढ ढूंढ के कहीं कहीं नेटवर्क ढूंढ रहे थे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए, और गवर्नमेंट स्कूल तो सरकार वहां पे बंदी कर रही है। इसी तरह से बिजली पानी लगातार सरकार ने महंगे किए, अब जाके आम आदमी पार्टी ने जब बहुत शोर मचाया तो पिछला हाइक बिजली और पानी का उन्होंने वापस लिया। तो ये 10 पॉइंट हैं जिनको लेके खुद भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि गोवा में बीजेपी की सरकार पूरी तरह फेल है, उनका मुख्यमंत्री, उनका नेतृत्व पूरी तरह से फेल है। इसलिए चुनाव से ठीक 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी अब हार रही है कि हम अपना मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री बदल लें, चेहरा बदल लें, जो बदल लें, लेकिन जनता धोखा नहीं खाएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री चाहे बदल लीजिए, चाहे आप जो और चेंज करना है कर लीजिए, 2 महीने पहले अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे, आपको जनता के लिए काम करना चाहिए था। मुख्यमंत्री बदलने से अब जनता का मूड नहीं बदलेगा। जनता का मूड इस बार बन चुका है कि वो बीजेपी को हटा के आम आदमी पार्टी को लेके आएगी। हम यही कहना चाहते हैं। बीजेपी की आंतरिक लिस्ट है जिसमें उन्होंने 10 फेलियर मान के कि ये 10 फेलियर पे प्रमोद सावंत सरकार फेल रही है, उनको हटाने जा रहे हैं। सर, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि ये हमारी कमी है। हाँ सर, एक सवाल है कि दिल्ली की एक अदालत ने जो दिल्ली के दंगे हुए थे उसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से रिपोर्ट पेश ना करने को लेकर उनकी खिंचाई की। मैंने अभी फॉलो नहीं किया मैडम, थैंक यू।